Rockfever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। बिहार में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 3 दिसंबर तक खास निर्देश जारी किए गए थे। राज्य के 6 जिले पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण में विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी गई थी। इसी बीच रविवार को पटना जिला प्रशासन ने 150 लोगों को शादी समारोह में आने की इजाज़त दी है। पहले 100 लोगों को शादी समारोह में आने की इजाज़त मिली थी, वहीं श्राद्ध क्रम में 25 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही बैंड बाजा पर लगी रोक भी हटा ली गई है। यह फैसला रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। फैसले की गाइडलाइंस को सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। इसके पहले शादी समारोह, श्राद्ध कर्म और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सरकार ने खास गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत सड़कों पर बैंड बाजा और डीजे के साथ ही बारातियों के जुलूस पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। शादी समारोह और श्राद्ध क्रम के लिए पहले से जारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। समारोह में थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइज की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर भी सैनिटाइज करना होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर व्यवस्था अपनानी होगी। लोगों को मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए सरकार ने खास दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य सरकार की सारी कोशिश कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने की है, लिहाजा आप भी तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें और सुरक्षित रहें। इस खबर में इतना ही। बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।